Assalamu alaikum, brother. So would you like to tell me where are you guys going ahead for Eid? I will tell you everything in the Urdu language, right? I am Canadian. That's not mean. I'm still Pakistani. In the Eid day in Canada, aapko Eid Mubarak. Thank you so much. Assalamu alaikum. Pakistan, Jindabad. So guys, as you can see, we guys are still waiting. Like everybody, kids. So like all the cars are ready to go. So my brother, he is very excited to go, but he is like, I have no words for my family. But it's pretty interesting, you know. Like it's Eid, but still we are thinking for the half of the day. So what would you like to say now? I wanna say something. You know, our family belong to Pakistani, right? And Pakistani families have same minded. Doesn't matter where they are living, in Canada, USA, UK, or all over the world. Pakistani people always happy and always same. आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कनाडा की. कनाडा के अंदर जब से हम आए हैं तो यहाँ पर आपको बाइक आउटिंग के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है. यहाँ आपको ईद के दिनों में आपके पास टाइम होता है, वो भी आपको एक दिन छुट्टी होती है, तो आप फैमिली के साथ बाइक जा सकते हैं, घूम सकते हैं. If you want to give a message for Pakistani people for Eid or for the celebration or for the happiness. Meri taraf se aap sab logon ko jitne log hain Pakistan ke andar aur jitne hamari families Canada ke andar hain un sab ko Eid Mubarak. Ye Eid ul Fitr hai to yahan par bhi bahut josh o khurosh se hum ye Eid manate hain. Visit kiya aur jo family hai, family ke members hain वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से कूच करें, आई मीन के किसी और जगह पे जाएं. इनको यहाँ पे इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ कोई मज़ा नहीं आया तो हम किसी और जगह पे जाते हैं. अब देखो, हम पिछले आधे घंटे से 35-40 मिनट से ड्राइव करके आ रहे हैं और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट. तो अभी हम जा रहे हैं किसी और जगह पर. सी यू गाइज, एंड दिस टाइम वी आर इन पोर्ट पैरी एंड family wanna buy some food, इसलिए कुछ water लिए यहाँ से, कुछ हल्का फुल्का शायद खाने पीने के सामान लिया. Family like last 6 hour still don't decide where you have to go. Let's see, we are on the way and we looking any points where our family comfortable, feel good, enjoyful. अभी देखो आगे हम कहाँ तक जाते हैं. Thank you.
पूरा दिन, ईद का पूरा दिन, ईद उल फितर का बाहर गुजार दिया है, फैमिली के साथ गए हुए थे। तो अभी आप हमारी हालत देख सकते हैं कि हम अब थक टूट चुके हैं, ये समझे कि हम चूर हो चुके हैं। तो घूम घूम के फैमिली डिसाइड ही नहीं कर सकी कि किस पॉइंट पे हमने रुकना है। कम से कम इन्होंने कोई 4-5 पॉइंट्स जो है ना वो रास्ते में इन्होंने चेंज किए हैं, और फाइनली हम जो है ना पोर्ट पैरी की जो लेक है वहाँ पर रुके, और सब फैमिली ने, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये बस छोटा सा एक इंटरटेनमेंट का हमने प्रोग्राम बनाया कि ये जो आपके साथ शेयर करें, ये कनाडा की लाइफ है। सिर्फ एक दिन हमें ईद का दिन मिलता है छुट्टी का, और हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए हमें बाहर निकलना चाहिए। और सुबह से भूखे हैं, यकीन मानो आज तो खाने को भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने ये की रट लगाई हुई थी, बाहर जाना है, आउटिंग पे जाना है, अभी जाना है, ये प्लान करते हुए इन्होंने 4 घंटे लगा दिया। और उसके बाद आगे उन्होंने 4 पॉइंट चेंज किए कि हमें अभी और जाना है लॉन्ग ड्राइव। तो अभी ये देखें पिज्ज़े पड़े हुए हैं, ये सुबह से भूखे हुए हैं, ये देखो अब डिनर इज़ रेडी। ये आप समझ ले कि अभी वो देखें 9 o'clock हो गए ऊपर। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको लाइक करें या कोई कमेंट दें, एवरीबडी हैव राइट्स, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ZT इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वंस टाइम अगेन। ईद मुबारक टू एवरीवन, एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू सो मच।